सावन महीने की शुरुआत के साथ पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर में श्री सत्यनारायण मंदिर में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी कलश यात्रा को लेकर जब सीसीएन संवाददाता सोने शर्मा ने मंदिर के संस्थापक यशपाल महाराज से बात की तो उन्होंने बताया आज से 11 दिवसीय शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कलश यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि पहली बार इस मंदिर में सावन महीने में शिव महापुराण होने जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार कथा वाचक महाराज आदित्य रहेंगे। इस कलश यात्रा में जिलाध्यक्ष संजय गोयल भी मौजूद है, वहीं उनके साथ ही अतिथि और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्रावण मास में देवराज इंद्र भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो ये श्रावण के महीने में श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा में शिव महापुराण की कथा रखी गई है। ये 11 दिन का आयोजन है, आज प्रथम दिवस है। कलश यात्रा की तैयारी चल रही है, हमारे संजय गोयल जी भी इसमें आए हुए हैं, विकास शर्मा जी भी हैं और काफ़ी अतिथि गण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माताएं बहनें बहुत उत्साह है सभी में, छोटी छोटी बच्चियों को आप लोग देख रहे होंगे, इनके अंदर बहुत उत्साह है, क्योंकि ऐसे ऐसे यज्ञ बहुत कम होते हैं और जिस क्षेत्र में ये यज्ञ हो जाते हैं उस क्षेत्र का उद्धार हो जाता है, यानी स्वयं भगवान शिव उस क्षेत्र में आकर के निवास करने लग जाते हैं। जी, आज शिव महापुराण का कथा का कार्यक्रम रखा गया है और शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस के लिए आज कलश यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जा रही है। बड़ा आनंद आ रहा है, सभी लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। सभी कलश लेकर के, सभी महिलाएँ कलश लेकर के कलश यात्रा में चल रही हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है यात्रा में। जी, गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज हर बार भागवत कथा करते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है, लेकिन इस बार श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से अपने यहाँ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा होने जा रही है और बड़ा ही आनंद आ रहा है, सभी लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। आज के जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है उसके विषय में पता हम सबको लगेगा, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति जो हमें धरोहर के रूप में मिली है, विरासत के रूप में मिली है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो आचार्य आदित्य शास्त्री जी और हमारे महाराज यशपाल जी शास्त्री जी के माध्यम से इस क्षेत्र में हो रहा है, तो ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धर्म के काम होते रहने चाहिए, इसी की वजह से सृष्टि चल रही है, तो हम लोगों को धर्म के प्रति, भागवत के प्रति, रामायण के प्रति आस्था रखना चाहिए। यही हमारे में शक्ति देती है, जिसके कारण हम अच्छे और काम करते हैं और परिवार में बच्चों को इन्हीं की शिक्षा की वजह से देश के प्रति उनके विचार मजबूत करते हैं। देखिए जी, बहुत हर्ष का विषय है और हमारे आचार्य श्री यशपाल शास्त्री जी के माध्यम से ज्वालानगर में एक धर्म से जो लोगों को सीधा जोड़ा गया है, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर वर्ग के लोगों को इस कथा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और पहली बार शिव महापुराण जो हो रही है ज्वालानगर के अंदर, हर व्यक्ति में एक अलग सी ही उमंग है। ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही है झिलमिल के वार्ड के अंदर यशपाल जी के द्वारा, और पूरे देश भर में इसका बहुत अच्छा माहौल रहता है। और जो मंदिर मतलब नहीं जाते, लेकिन वो जब ये सावन का महीना आता है ना, तो हर बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग माता भाई ने सब लोग मंदिर जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। और ये जो सावन मास चल रहा है, ये अपना एक भोले शंकर का जो अपने भगवान जी हैं भोले शंकर जी, उनका ये पूरा सावन मास है। उस हमारे पूज्य गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज के मुखारविंद से, लेकिन पहली बार अब श्री सत्यनारायण मंदिर में शिव महापुराण होने जा रही है और हमें बहुत उत्साह है। हम शिव महापुराण में शिव की महिमा, शिव की कृपा और उनकी दया को जानेंगे। इसका विस्तार किसने किया, शिवपुराण का निर्माण किसने किया और ये किस किसने सुनी और कौन कौन इसको सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो गया, हम ऐसी महिमा को जानेंगे।